नमस्कार दोस्तों, डीसी शॉर्ट सिनेमा पेश करता है ऐसी फिल्म की कहानी जिसमें भगवान अपने मनोरंजन के लिए नई दुनिया का निर्माण करते हैं और बोर हो जाने पर उसे नष्ट कर देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भगवान के सामने एक टेबल रखा हुआ है जिस पर गॉड ने अभी अभी नई दुनिया का निर्माण किया है। दुनिया का धीरे धीरे विकास हो रहा है। गॉड के सामने एक घंटे में धरती पर कई लाख साल बीत जाते हैं। यहाँ अभी आदिमानव युग चल रहा था, तभी इनमें से एक मेरा जैसा जीनियस आदमी आग की खोज कर लेता है। गॉड अपने सेवक से पूछते हैं कि अभी आग की खोज होने में कितना समय बाकी है, तो सेवक कहता है कि दूसरी सभ्यताओं में आग की खोज 2 लाख साल बाद हुई थी। गॉड तुरंत ही आग बुझाने का आदेश देता है तो सेवक फूंक मारकर आग बुझा देता है। गॉड कहते कि अब जल्दी से सभी लोगों को वापस गुफा में भेज दो। सेवक लोगों के पीछे हाथियों का झुंड लगा देता है तो सभी गुफा में चले जाते हैं। कुछ देर बाद ये सभी लोग गुफा से बाहर निकलकर डांस करने लगते हैं। गॉड कहते कि अब ये लोग किस खुशी में मुजरा कर रहे हैं। सेवक कहता है, प्रभु ये कोई मुजरा नहीं, ये तो वर्षा नृत्य है। गॉड कहता कि तुम फिर मेरा खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो, जल्दी पानी बरसाओ। सेवक स्प्रे कर देता है तो बारिश होने लगती है। सभी लोग बारिश के पानी का आनंद लेते हुए खुशी से झूमने लगते हैं। गॉड को ये देखने में बड़ा मजा आता है तो कई बार सेवक से स्प्रे कराता है। ये लोग काफी समय तक खुश थे तो गॉड इनकी खुशी देखकर गुस्से में आ जाता है। गॉड सेवक को आदेश देता है कि प्लेग का वायरस फैला दो। सेवक दुखी मन से प्लेग का वायरस निकालकर लोगों पर स्प्रे कर देता है तो सभी लोग मारे जाते हैं। इतने में गॉड को नींद आ जाती है तो कई सदियां बीत जाती है। गॉड जब सोकर उठता तो देखता है कि दुनिया करोड़ों साल आगे निकल चुकी है। गॉड सेवक से पूछता है कि ये कौन सा समय चल रहा है। सेवक बताता कि ये 21वीं सदी है जहां इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है। यहां सभी लोग बहुत अमीर और बुद्धिमान हो गए हैं। गॉड इनकी तरक्की देखकर गुस्से में आदेश देता है कि तुम शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में आग लगा दो, मैं भी तो देखूं कि ये लोग मेरी ताकत का सामना कैसे करते हैं। सेवक बिल्डिंग में आग लगा देता है तो गॉड बहुत खुश होता है और फूंक मारकर आग को और तेज कर देता है। आग लगने पर सभी लोग छत पर आकर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर गॉड को बहुत मजा आ रहा था। इतने में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस भी पहुंच जाती है। सभी लोग डर के मारे चिल्ला रहे हैं। बिल्डिंग के लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं तो गॉड सेवक को आदेश देते हैं कि बिल्डिंग पर जल्दी से तूफान का बवंडर ला दो। तो सेवक कहता है कि हम ऐसे शहर के बीचों बीच तूफान का बवंडर नहीं ला सकते। नियम के हिसाब से बवंडर के लिए शहर को समुद्र किनारे बसा होना चाहिए। तो गॉड सेवक पर चिल्लाते हुए कहता है कि कल रात ही मैंने इस ग्रह को अंतरिक्ष में तैरते हुए कूड़े को जोड़कर बनाया है सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, इसलिए यहाँ वही नियम चलेंगे और वही होगा जो मैं चाहूँगा, इसलिए तुम चुपचाप बवंडर को भेजो। Send in the fucking tornado. सेवक ऐसा ही करता है और बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ा तूफान ला देता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। गॉड बवंडर को बंद करा देता है। गॉड सेवक को आदेश देता है कि जाओ, मेरे खाने का वक्त हो गया, मेरे लिए खाना लगाओ। और इसी के साथ ये शॉर्ट मूवी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें।